और इंडिया के पहले आपके देश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। इंडिया जब आए तो आपके इंडिया नाम रखवाने वाले अंग्रेज हैं, और उसके पहले हिंदुस्तान नाम रखवाने वाले मुगल हैं, औरंगजेब हैं, अकबर हैं, बाबर हैं। जो रेस थे अकबर, औरंगजेब, बाबर, आज के मुसलमान नहीं। आज के मुसलमान तो हमारे ही भाई हैं। मुसलमान ईमान रखने वाले को मुसलमान कहते हैं, वो हमारे ही हिंदू से मुसलमान हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोगों को ऊपर अत्याचार हुआ तो हमारे ही भाई हिंदू से मुसलमान हुए। मैं नहीं कहता, इतिहास कहता। आपको जानना होगा इसको, और बिना जाने आप अंधकार में डूबते चले जा रहे हो। अपने भाई को दुश्मन मानते हो और दुश्मन को अपना भाई बना के अपने गले में टांग के घूमते, इसीलिए आपका सत्यानाश हो रहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने, कांशीराम ने अपने समाज के, दलित समाज के लोगों को देश दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दिया कि नहीं करा दिया भाई? करा दिया। तो अपना शासन सत्ता लाया कि नहीं लाया? लाया। अरे गोबर की रोटी खाने वाली बिरादरी थी, जिसको पत्ते भी नसीब नहीं होते थे, उस समाज के लागुआ ने उन समाज के लोगों को इतिहास बता दिया और चार बार शासन सत्ता में आ गया। और जिस समाज के लोग आप खड़े हो, आपके खून खानदान आपका किला करता कि आप राजा के वंश के हो, और राजा का वंश आज उसके पास घर भी नहीं है। उसके पास आज डीएम के यहाँ जाना पड़ रहा है, तहसीलदार के यहाँ जाना पड़ रहा है, घर बनवाने के लिए, कमरा लेने के लिए, राशन लेने के लिए कार्ड खोजना पड़ रहा। शर्म की बात है कि नहीं है भाई? बताओ आप लोग, शर्म की बात है। तो क्या हम लोगों को यही चाहिए? नहीं, शासन सत्ता चाहिए। शासन सत्ता चाहिए। दलितों ने बुद्ध और अम्बेडकर का जय जयकार बोल करके शासन सत्ता में आया कि नहीं आया? आया। मुलायम सिंह यादव ने अपना जय मुलायम, जय यादव, जय माधव करके और कृष्ण का नारा लगवा के, जय जयकार लगा करके नारा, और वो शासन सत्ता में आए कि नहीं आए भाई? आए। अरे श्री रामचंद्र का नारा लगवा करके भाजपा शासन सत्ता में आए कि नहीं आई? आए। आप भी निषाद राज का नारा लगा दोगे, आप भी शासन सत्ता में आ जाओगे। साथियों, एक में कोई दो राव नहीं है, ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का, क्योंकि किला चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है 3.5 किलोमीटर में किला है, 350 किला ऐसे ही हमारे पूरे भारतवर्ष में है। आपके खून खानदान के उस किला की पहचान अब हो गई है, सारे किला का पहचान हो गया है। तो उस किला के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी लोगों को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ये कैडर कैंप द्वारा बताया गया है कि आप राजा और राजवंशी खानदान से हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग जानते हैं कि हम राजवंशी खानदान के, जरा हाथ उठा तो बोलिए जय निषाद राज। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या राजा हुक्म करता है या हुक्म मानता है? क्या राजा हुक्म करता है या हुक्म मानता है? हुक्म करता है ना। तो क्या हम हुक्मरान है? नहीं। नौकरान है? नहीं। तो क्या है साथियों? अगर हुक्मरान होते तो हमारे समाज के लोग मोदी मुलायम की तरह हुक्म करते कि नहीं करते? करते। और रही बात साथियों नौकरान की, अगर हम नौकरान होते तो हमारे समाज के लोगों की नौकरी होती कि नहीं होती? सही है। यानी नौकरान भी नहीं है, हुक्मरान भी नहीं है। सवाल उठता है ना, हम क्या है? तो साथियों, आपको सिर्फ गुलाम बना के रखा गया है। अरे 1947 में हमारा समाज अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक में आज भी गुलाम है। और गुलाम इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में कोई ऐसा नेता ही नहीं पैदा हुआ जो समाज को भला कर सके, और नेता पैदा भी हुए विश्व के 4 नंबर की वीर महिला कहे जाने वाले वीर वीरांगना फूलन देवी निषाद, और पूर्वांचल का शेर कहे जाने वाले लखपुरुष जमुना निषाद जैसे नेताओं को आपके आंख के सामने मौत की घाट उतार दिए गए साथियों। अरे उसके बाद नेता तो आए, लेकिन नेता का मतलब नहीं समझे। नेता का मतलब होता है द लिफ्टिंग अ विजन टू सोसाइटी, अर्थात समाज की जो सोच को लिफ्ट करा दे उसी को नेता कहते हैं साथियों। या नेता का मतलब होता है नया, मतलब नया काम, माने ताकत, यानी समाज में एक नया ताकत पैदा करो जिससे लखनऊ की कुर्सी को आसानी से हासिल किया जा सके। साथियों, क्या हमारे समाज के नेता आपके बीच वैसी ताकत दिए?
बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद। हमारे डॉक्टर अनिल निषाद जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी आगमन हो गया है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए।